नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। आइए मैं एक खबर से रूबरू कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर विकास खंड रेवसा विधानसभा 150 सेवता से जो पाल्टी ये IMIM के पाल्टी के पदाधिकारी रहे, आज उनको पाल्टी ने ठुकरा दिया या यूं ही कह लीजिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया। तो उन्होंने उस पाल्टी को दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। आइए मैं उसी चर्चे के ऊपर हम बात करेंगे, आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि विधानसभा सेवता 150 ग्राम पंचायत लड़रापुर भैंसी जो निवासी हैं नफासत खान, जो ये IMIM के पदाधिकारी रहे और उसका भूमिका निभाते रहे, मगर उनके साथ विश्वासघात किया गया, उन्होंने उसको इस्तीफा दे के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और उस आप लोग सीधे देख रहे हैं कि उन्हीं के दरवाजे का एक काफिला है और समाजवादी पार्टियों का जमौड़ा लगा हुआ है, किस तरह उनको स्वागत और सम्मान संबोधित किया गया है समाजवादी पार्टी में आने के लिए। और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी नेतागण ने उनको स्वागत और सम्मान किया है। समाजवादी पार्टी के नेता छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने उनको संबोधित किया और उनको स्वागत और सम्मान किया गया और पार्टी में सम्मिलित होने के लिए उनको बधाइयां दी गईं। आप सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनका सर्टिफिकेट भी, इसके हम कैमरा के माध्यम से लोड किया है कि किस पद पे से तैनात थे। नमस्कार, जय हिंद। आइए उनकी मुजबानी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। आइए मैं एक खबर से रूबरू कराऊंगा और ऐसे एक सक्सेस से हम आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, बल्कि एक ये IMIM के पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है और इस्तीफा दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। उसमें क्या रीज़न था, उनका क्या दिक्कतें थी, थोड़ा उनसे हम उस विषय के ऊपर और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। आइए मैं चलते हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। भाईजान, आपका नाम क्या है, शुभ और पूरे पर्चे के साथ में अपना बायोडाटा बताइए और फिर क्या हुआ जो तुम उस पार्टी को आपने इस्तीफा दिया। मेरा नाम नफासत खान है जी, मैं IMIM का जिला सचिव था जी और जिला अध्यक्ष हमारे मोहम्मद इमरान साहब थे जी। हमें हम दो बार इस पार्टी में अपना सचिव बनाए गए जी और हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया जी। लेकिन कुछ समय पहले साल पहले एक यूथ कमेटी बनाई गई, अच्छा। कमेटी जो थी उसके जिला अध्यक्ष काफी अधिकारी बनाए गए जी। लेकिन कभी मेन वाली से मिलकर काम नहीं किया जी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की जी, मेन वाली और यूथ कमेटी मिल करके काम करें और हमने लहर को हमारे जिला अध्यक्ष इमरान साहब ने जी उस्मान सिद्दीकी साहब को जो यहाँ के प्रभारी थे जी लखीमपुर जिले के और जिला सीतापुर के प्रभारी थे, उनको बुला करके समीक्षा बैठक बैठाई थी। उन्होंने समझाया, बताया, सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन के बाद एक कैंडिडेट घोषित किया, जावेद हाशमी नाम जी। फिर भी हमने जावेद हाशमी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कई बार संपर्क किया, हमने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मेन बॉडी और यूथ से दोनों को बैठिए, बात करिए। बिल्कुल सही। और आप चुनाव लड़िए, हम आप लोग साथ में। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने दो तीन बार मैंने फ़ोन किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं आए। फिर हमने इसका रीज़न पता किया कि मतलब क्या है, तो पता ये चला कि ये लोग खुला दलाली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारा पार्टी छोड़ने का मेन मकसद है कि एक पार्टी में हमारे कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो खुला दलाली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग जो है MIM पार्टी छोड़ करके जी और सपा ज्वाइन किया
और सपा में हमको सम्मान मिला जी, और हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ। अच्छा अच्छा और प्रोग्राम में आप किसको बुलाए थे अपने दरवाजे पे? क्योंकि हमने देखा और कवरेज भी किया कि एक बहुत बड़ा जमोड़ा सपा के कार्यकर्ताओं का लगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हुए थे उनके अवगाही में। फिर आपको क्या रीज़न, इसमें आपको क्या समर्थन मिल रहा है, क्या आपको इसमें मिलेगा, कि आपको क्या उम्मीद है कि हमको इस समाजवादी पार्टी से हमको क्या मिलने वाला है, आपको बता उसमें बताइए। हमें छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी आपको जी जी, और सूरज सिंह वर्मा साहब जो प्रदेश सचिव हैं जी, और यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव मेराज भाई जी, और हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, तो हमें लड़कापुर के जी जी, वो भी उपस्थित थे जी, और हमारे जो पड़ोस के जो हमारे भाई थे, हमारी जनता थी, उनका बहुत सहयोग मिला, और जो छात्र सभा के आए थे जी जी, उन्होंने बहुत सम्मान दिया और जाते समय हमसे मिल करके गए, और उन्होंने मैं और सपा में मुझे बहुत सम्मान मिला। अच्छा, ये एम आई पार्टी को छोड़ने का रीज़न तो आपने बता ही दिया, मगर इसको तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हम बताएं, इसमें कुछ क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें कार्यकर्ता जो यूथ कमेटी के हैं जी, यूथ कमेटी के जो जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष वो पूरी एम आई एम पार्टी को सीतापुर के अंदर बदनाम करके रखा है जी, सेवता विधानसभा के अंदर बदनाम करके रखा है जी, इसलिए हम लोगों ने उस पार्टी से नाराज होकर के हमने सपा ज्वाइन किया, और सपा में हमको बहुत सम्मान मिला, सबका बहुत सहयोग मिला। अच्छा, तो आप इस सन 2022 में चुनाव के जो रीजन चल रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप इस मुद्दे पे आप किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? ये हम छीन बाबू के हक में वोट मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, और सपा के हक में वोट मांग रहे हैं, और मैं गांव-गांव गली-गली हर जगह जा करके जी मैं छीन बाबू के समर्थन में मैं वोट मांग रहा हूँ। ओके, बात करने के लिए धन्यवाद।